रात का करीब 1 बज रहा है और आपको बता दें कि हम दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी गांव में हैं। चंदनपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित जल नल योजना का काम पूरा हो चुका था। जल नल योजना के पाइप ले जाने के लिए बीच में मुख्य सड़क जो है बहेरी से लहरिया सराय आ रहा था। आपको बता दें 6 महीने के बाद अब जाकर पथ परिवहन जो विभाग है उसके द्वारा जब यहाँ पर अनुमति मिल गई है, SDO के द्वारा यहाँ पर अनुमति मिल गई, उसके बाद जाकर हायाघाट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार यहाँ खुद मौजूद हैं। रात में देख सकते हैं सामने राकेश कुमार और यहाँ पर पदोर थाना के थाना अध्यक्ष, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं और रात में युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। लगभग 20 के करीब जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं और युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। मुख्य सड़क लगभग जाम है, घंटों मुख्य सड़क जाम रहा। लोगों को कहीं बहेरी जाना था, लोगों को आसपास जाना था, लेकिन इस सड़क को रोक दिया गया था। उसके बाद लोग बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो देकुली चौक से होकर घूम कर आनंदपुर गए, आनंदपुर से आगे बहेरी गए, इस तरह से उन्होंने अपना रास्ता बदला। हायाघाट वीडियो सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये खुद यहाँ पर काम करा रहे हैं और राकेश कुमार ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है इसके बारे में वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर गुलाम नंबर 4 के वार्ड पार्षद गुलाम हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सड़क को काटा जा रहा है और इस युद्ध स्तर से जो काम चला है उसके बाद दूसरे वार्ड नंबर 4 में कल से नल जल का जो पानी है वो सप्लाई हो जाएगा, ऐसा वीडियो राकेश कुमार ने बताया है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है और आपको बता दें कि इससे पहले ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो चाह रहे हैं कि कैसे भी जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाए जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा पार्टी को पहुँच पाए। आज नल जल योजना का एक काम वो चंदनपट्टी वार्ड संख्या 4 में बहुत दिन से बाकी था क्योंकि रोड कटिंग करने का जरूरत था। यहाँ पर वार्ड में पूरे वार्ड में पानी सप्लाई करने के लिए मुख्य सड़क को काटना था, तो आज कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग के आदेश के बाद उनसे सहमति मिलने के बाद SDO साहब की परमिशन के बाद आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके चंदनपट्टी में रोड को कटवा करके रात ही रात में हम लोग पूरा पाइप पार करा करके फिर से कल या परसों से पूरे वार्ड में पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी। कौन सा सड़क है और कितने दिन से आप लोग लगे हुए थे इस काम में? नहीं, ये लहरिया सराय बहेड़ी का मुख्य पथ है और ये हम लोग काफ़ी पिछले 2 महीने से लगे हुए थे कि नहीं ये काम पूरा बन करके तैयार थे, सिर्फ रोड कटिंग के कारण अभी तक बाधित था। परमिशन मिलने के बाद हम लोगों ने इस काम को शुरू कराया और कल से परसों तक हम लोग इसको पूरे वार्ड को पानी चालू। कितना वार्ड नंबर सर? ये वार्ड नंबर 4 चंदनपट्टी का। तो इस काम में कितने लोगों को आपने लगाया है? नहीं, लगाए तो हम लोग ने 15 लोगों को एक साथ में है जी, इसमें 4 हमारा कटिंग करने के लिए है, JE है, कनीय अभियंता साथ में हैं, तकनीकी सहायक हैं, उसके बाद इसके साथ मिलन कुमार मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, पंचायत सचिव हैं, ये हमारे सरकारी कर्मी हैं। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो काम करा रहा है, जो मिस्त्री है, लेबर दिए हैं, उनके कुल मिलाकर 15 व्यक्ति हैं जो कि काम करेंगे, रात रात में पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। इस वक्त जल नल का योजना जो है लगभग अंतिम चरण में है, तो कितने जगहों पर काम पूरा हो चुका है सर? नहीं, हमारे यहाँ 175 वार्ड में हमें करना था, 20 वार्ड PHD को करना था, 175 वार्ड में से हमारे यहाँ 160 वार्ड का काम पूर्ण हो गया है और ये काम पूर्ण होगा तो ये 161वां होगा। रेस्ट हम लोग 10 से 15 दिन में टोटल 100% काम खत्म कर देंगे। इसी तरह का समस्या और कहीं पर बना हुआ है या? बिल्कुल, इस तरह की समस्या हमारे यहाँ सिधौली में बनी हुई थी जो कि हम लोगों ने उस काम को ख़त्म कर दिया है और फिर आगे एक ये आपका सिधौली का ही एक वार्ड है 14 नंबर वार्ड, वहाँ पर भी ये समस्या आएगी, वहाँ पर भी कटिंग कराना पड़ेगा। रात में आप लोग का सहयोग है, आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों में पत्रकारिता बहुत काम करती है, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इतने रात में आप प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। चलिए, जल नल का काम हो रहा है जी। कौन सा वार्ड है, क्या है? वार्ड संख्या 4 चंदनपट्टी भगीरथा टोला सलेस स्थान के सामने रात के 1 बजे हम लोग रोड काटे हैं BDO साहब की अनुमति के तहत, जो नीतीश कुमार जी का ये प्रोजेक्ट है जी। इसको चालू करने के लिए 6 महीना से मेरा टावर बना हुआ था, आज BDO साहब ने अनुमति दिया है तो हम 1 बजे रात में रोड को काट कर पानी लोगों के हित पहुंचा रहे हैं। तो ये बताइए कि कितना आदमी लग रहा है आपका? हमरे में लगा हुआ है जी।
गांव का आदमी 50 आदमी वहां पर खड़ा है, स्टाफ मेरा 15 ठो मजदूर काम कर रहा है। अच्छा, 15 से 20 आदमी? हाँ, 15 से 20 आदमी। तो कितने बजे तक काम चलेगा ये? ये हो सकता है कि 2-3 भी बज जाए। जी, और ये किन वार्डों में जा रहा है पानी? ये 4 नंबर वार्ड में जा रहा है। हाँ, तो क्या घर घर वहाँ पे पाइपिंग होगी? पाइपिंग हर चीज कंप्लीट है, सिर्फ जल नल का जोड़ना ही बाकी था। अच्छा, जोड़ना ही बाकी, जिसको हम वीडियो साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, जो एप्लीकेशन हमको शिकार हुआ, और पीडब्ल्यूडी के अफसर SDO साहब आए इसकी इंक्वायरी करने के लिए, और इंक्वायरी करके गए हैं तो उन्होंने हमको अनुमति दिया है कि आप 11 बजे से लेके 3 बजे के भोर तक रोड काट के आप अपना पाइपिंग कर लें। इस जगह पर कौन कौन मौजूद थे? अभी BDO साहब भी मौजूद थे, पंचायत सेवक जी मौजूद थे, हमारे प्रभारी थाना प्रभारी पतोर प्रभारी मौजूद थे, और अंततः जनता मौजूद थी। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अस्करी, वार्ड संख्या 4 के हम वार्ड सदस्य हैं। ये सड़क कौन सा है? ये लहरिया सराय टू बहेरी, PWD।